गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास फिफ्थ हिंदी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाती हूँ। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। पहले हम इसकी रीडिंग लगाएंगे। यह धरती जो है माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया है जो है, सोगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखो, जान, जान का अर्थ होता है प्राण। सदियों, सदियों का अर्थ होता है 100 वर्षों से अधिक या बहुत समय। कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। चौकस पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। मेहनत, मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम। उम्र, उम्र का अर्थ होता है आयु। सोगन, सोगन का अर्थ होता है कसम। अब हम लेसन पढ़ेंगे। यह धरती जो है माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी। कवि कहता है कि यह जो धरती है हमें, जो धरती है वो हमारी माँ है और यह हमें प्राणों से प्यारी है। ये धरती जो है, ये मातृभूमि, ये भारत भूमि जो है वो हमारी माँ के समान है और हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है कि हर बालक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले। कि हर बालक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की रक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। कि बोलो कि हम अपने देश की रक्षा के लिए खूब मेहनत करेंगे, यह हमारी कठिन परीक्षा आई है। कि हम अपने, हमारे देश की रक्षा और विकास की कठिन परीक्षा का यह समय है। माँ का दूध पिया जो है, सोगंध उसी की खाई है। जिस माँ का हमने दूध पिया है उसी की कसम खाकर हम देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। कि इस छोटी सी उम्र में ही हम परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान ले। इस छोटी सी उम्र में ही हम परिश्रम और बलिदान का जो अर्थ है वो जान ले। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर है। नीचे इसके प्रश्न देखते हैं हम। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? क्या है प्राणों से अधिक प्रिय? मातृभूमि। प्राणों से अधिक प्रिय क्या है? मातृभूमि। हम सबकी बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी और सतर्कता के साथ रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी परीक्षा का कठिन समय है? हमारे देश, हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने का कठिन परीक्षा का समय है। उपयुक्त पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम क्या है? हम भारत के भरत। ये पाठ एक आज आपका कंप्लीट हुआ। आज आपको इस लेसन को पढ़ना है और इसके शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं और इसे लर्न भी करना है।